उनकी आँखों से दिल में उतरते गए, बेपनाह प्यार उनसे हम करते गए। उनकी आँखों से दिल में उतरते गए, बेपनाह प्यार उनसे हम करते गए। थी अजब सी घुटन, सांस हो जाती बंद, मेरा मन था मुश्किल में, अच्छा हुआ निकल गया। बड़ी भीड़ थी उनके दिल में, बड़ी भीड़ थी उनके दिल में। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हां, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं। पीछे दिखा दो भाई साहब कैमरा, मैं भाई साहब मैं बन गया हूँ रिपोर्टर से कम म्यूजिक डायरेक्टर, और ये है भाई साहब पूरा पता नहीं क्या तामझाम है। इधर ये है, इधर मॉनिटर है, इधर साउंड है, उधर पीछे केबिन है, क्योंकि नया जॉब ढूंढ लिया हूँ। जी हाँ, रिपोर्टर से कम बन गया हूँ म्यूजिक डायरेक्टर। भाई गलत मत मानना, म्यूजिक डायरेक्टर ये हैं। जूम कर दो इधर जी, शुभम जी हैं, और उनका आज ही एक गाना आया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है खेसारी लाल यादव का। उनके कंपोजिशन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है शुभम। नमस्ते प्रणाम, और सबसे पहले आपको स्वागत है अन्नपूर्णा फिल्म स्टूडियो में, अन्नपूर्णा फिल्म में, और भोजपुरी गॉसिप के जितने भी हैं सब्सक्राइबर, जितने भी सुनने वाले हैं, सबको मेरा प्रणाम है। एक बात बताइए, सबसे पहले तो आपका पोजीशन तो छीन लिया जी, अब तो मैं ही कंपोजिशन करने वाला हूँ एक से एक फाड़ू फाड़ू करूँगा। अच्छा, देखिए तो उसमें देखिए, जब तक पीठ पीछे छीनने वाले लोग ना रहें तो फिर मज़ा भी नहीं है काम में। अच्छा हाँ, छीनेंगे नहीं तो फिर हम अपना काम बेस्ट करेंगे कैसे। तो इस ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छीनना और पाना वो तो लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, आपका एक खूबसूरत गाना आज ही गाया है, दिल में उसके दिल में किसके दिल में कि आपके वाला दिल वाला है, क्या है क्या ये? ये गीतकार बड़े भैया अजय बच्चन भैया लिखे थे गाना, और ये गाना मैं इसका एक थोड़ा सा अनुभव बता दूँ कि गाना तो वैसे हम खेसारी भैया से गवा दिए थे, पहले छठ हम गवाए थे, लेकिन मेरे जीवन का उनके साथ सबसे पहला गाना यही था जो उनके साथ हम बैठ के बना रहे थे। गाना बनने में 10 मिनट लगा था, गाना बनने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा मूड बनने में टाइम लगता है। हाँ, तो थोड़ा सा घबराहट थी क्योंकि भैया वहीं पास में ही हमारे पास वहीं बैठे ही थे, वहीं ये गाना बन रहा था उनके साथ मेरे उसके पास। बात तो हम लोग बहुत गाना बनाए भैया के साथ, खेसारी भैया हमारे साथ बैठते थे बनता था, लेकिन ये जीवन का मेरे पहला गाना था जो उनके साथ हम बैठ के बनाए थे। तो जो बैठ के बनाए हैं तो हारमोनिया बगल में है, ये है, बजाना हमको आता नहीं है, नहीं तो हम बजा देते खुद ही, तो आप ही बजाइए क्योंकि इसी अंदाज में ज़रा हो जाए आपका कंपोजिशन अच्छा करते हैं तो फिर। गाना का लिरिक्स बहुत बढ़िया है और भैया ने बहुत बढ़िया गाया भी है। उनकी आँखों से दिल में उतरते गए, बेपनाह प्यार उनसे हम करते गए। उनकी आँखों से दिल में उतरते गए, बेपनाह प्यार उनसे हम करते गए। थी अजब सी घुटन, सांस हो जाती बंद, मेरा मन था मुश्किल में, अच्छा हुआ निकल गया। बड़ी भीड़ थी उनके दिल, बड़ी भीड़ थी उनके दिल में। थोड़ा सा लिरिक्स मुझे याद है। एक बात बताइए, उनके दिल में थे, ये आपका वाला खेसारी भैया का चिपका दिया क्या जी? आप थोड़ा सा थी हो गए तो इसलिए खेसारी भैया चिपका दिया। अच्छा हुआ मैं निकल आया, बहुत भीड़ थी उनके दिल में, ये था बात। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आपको लगा भीड़ में, आप जिससे मोहब्बत कर रहे होंगे तो भीड़ ज्यादा होगी। ये भी होता है कि उनके दिल में बहुत भीड़ है, वहां से आप भी निकल सकते हैं।
हमारा तो सेटिंग आप चलिए भगवान करे आप। तो एक बात बताइए, कंपोजिशन काफी हार्ड लग रहा है और बहुत लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। गाना सुबह सुबह ही वायरल भोजपुरी पे रिलीज हुआ है, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो यार जाकर देख लो यार, कमेंट वहाँ भी कर दो, कमेंट यहाँ भी कर दो। कंपोजिशन करना खेसारी लाल यादव के लिए कितना हार्ड होता है? देखिए अब बहुत हार्ड नहीं है, आप उनके आवाज़ को समझना है। देखिए कंपोजर को क्या चाहिए, कंपोजर को एक सिंगर के आवाज़ को पकड़ना है, हाँ, कि वो उनके आवाज़ को फील करना है कि उनके आवाज़ में क्या क्या हो सकता है। मुझे वाकई में जब मुझे ये कंपोजिशन करने को मिला तो नो डाउट भैया बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंस में नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। वहाँ पर हम लोग थे रिकॉर्डिंग टाइम में, हम तो वहाँ थे ही, बहुत बखूबी उस गाने को निभाया। लेकिन और गाने की बात कर लेते हैं, और कौन कौन से गाने हैं आपने जो किया है, जो कि कंपोजिशन किया है, जरा उसी अंदाज में, जरा हारमोनिया है ये है, मियाज है ये है, स्टूडियो है, क्या करना है? अब ये गाना हम लोग का अभी चल रहा है, किया सही ना लेकिन के डिमांड होला है बिहार वाला लड़का ब्रांड होला, किया सही ना लेकिन के डिमांड होला कि है यूपी वाला भैया ब्रांड होला। ये भी गाना है कजरा कि दोनों अखिया में कल कि सचहू कजरवा नजरवा रोके लाए जान हो, कि कहे खाती सुनर बनौले भगवान जी सारा नौ छटिया देवे ले दे परान जी। बहुत सारा का भी झगड़ा हुआ, यहाँ कोको कोला भी यही बना। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल कोको कोला आपने कंपनी। ये देखिए क्या था इस गाने के साथ, कि ये गाना जब था तो गाने का पंच लाइन जो था वो सेट था, वो नहीं बदला, लेकिन उस गाने में बहुत सारा मतलब ऐसा कोको कोला हम वो भी एक एक्सपीरियंस जान जाइए। ऐसा नहीं कि मैं अब मैं ये ऐसा जगह नहीं कि मैं झूठ सच बोल कर अपने आप को कर रहा हूँ, यहाँ सभी लोग थे, वो उस वो गाना वापस हो रहा था, उस गाने को अब लगा कि अब हम लोग नहीं बना पाएंगे, चाहे अब लगा कि भैया अब इस गाने को नहीं गाएंगे, लेकिन वहाँ हम और खेसारी भैया मिल के यहाँ बैठ के हम लोग उस गाने को 5 घंटा बनाए कोको कोला। हाँ, उधर से गाना आया था, गाने का पंच लाइन था, उसके बाद सारा वहाँ रिक्रिएट हुआ, बहुत कोको इसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुआ, यहीं बना, वो लोग लेकर आए थे तो पंच था, उसके बाद सारा नया बना। बहुत बढ़िया लिखे भी हैं प्रकाश बारूद जी। जी तो कहीं ना कहीं कंपोजिशन आपने ही मारा है उसको। हम खेसारी भी अभी हैं, हम खेसारी भी है, बैठे थे फिर हम लोग रात में, मतलब ये इतना टाइम मुझे अभी तक नहीं लगा था धुन बनाने में जितना कोको कोला में लगा। तो जरा हो जाए, सब लोग डिस्टर्ब हो गया था कोको कोला में, तो जरा हो जाए कोको कोला, क्योंकि कोको कोला बहुत लोग पी रहे हैं आजकल। की राजा छूटता पसीना गर्मी होला, की राजा छूटता पसीना गर्मी होला, ए राजा जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला, राजा जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। स्केल का वो है, लड़की गाती तो बहुत जैसे शिल्पी जी गाई। आने वाले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, और कौन कौन से खेसारी भैया के साथ आप धमाका करने वाले हैं, और कितने प्रोजेक्ट हैं बोलबम के खास करके लेकर? बोलबम के गाने तो बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग बनाए हैं, 5 गाने 5-6 गाने बनाए हैं, उसमें और भी बहुत सिंगर हैं। बहुत इस बार का भी बोलबम जो है, हाँ, इस पे कुछ गाने पे देखिए अपने गाने पे भी इंसान को कॉन्फिडेंस होता है, कि एक होता है कि आप खुद का गाना खुद अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मज़ा नहीं है। सावन का गीत जो हम लोग बनाए हैं, अखिलेश भाई जी लिखे हैं, उसका जवाब ही नहीं है। मैं अपने से तारीफ
कर रहा हूँ, हो सके लोग इसको ना समझे, लेकिन उस गाने का वाकई में जवाब नहीं है। बहुत बढ़िया गाना बना है, उसके लिए तो अभी वेट करना पड़ेगा। नहीं कि आप कहेंगे नहीं कि वो सुनाइए, ना वो तो नहीं कर सकते वो कहेंगे तो फिर तो गड़बड़े हो जाएगा, जानते ही आप। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे फैंस से, जो ऑडियंस आपको भी खेसारी लाल यादव के साथ साथ अब आपको भी मोहब्बत देने लगे? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं सबको, पूरी टीम, पूरी अन्नपूर्णा फिल्म की टीम है, हम लोग जितने भी लोग काम करते हैं सब लोग आभारी हैं सबका, कि आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं, और इस चैनल के माध्यम से मैं अपने चैनल का भी प्रचार कर दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक चैनल है शुभम तिवारी कंपोजर, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें। हम लोग गाना कैसे बनाते हैं, गाने कैसे बनते हैं, वो सब आपको दिखने को मिलेगा। हम अखिलेश भाई सब लोग उस पर दिखेंगे कैसे हम लोग गाना, उसको सब्सक्राइब जरूर करें और इनको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वेलकम। तो भाई सिंपल सी बात है, यदि इस तरीके से कंपोजिशन सुनना चाहते हो तो इनके चैनल पर चले जाओ। हाँ, नाम क्या है? शुभम तिवारी कंपोजर। हाँ, तो शुभम तिवारी कंपोजर जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ सब्सक्राइब कर लो, वहाँ कमेंट कर दो, और इंटरव्यू अच्छा लग रहा हो तो यहाँ पर कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।